फलकनुमा पीएस लिमिट्स में तिगलकुंटा और एनएस कुंटे में यहाँ के पब्लिक के रिक्वेस्ट पे आज इवनिंग 7 o'clock से 8:30 तक गार्डन सर्च प्रोग्राम करें। इसमें 150 पुलिस ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करें और 200 घरा तक चेक करें। यानी कि हमारा मकसद यह है कि एरिया में कोई नए लोग आके बस रहे होंगे, कुछ उसमें चोरा भी हो सकते हैं, इसलिए चेकिंग करना पड़ा। पब्लिक का अच्छा कोऑपरेशन है इसमें। अब इसी चेकिंग के दरमियान 11 राउंड डिसेंडर्स को भी चेक करें, उसमें से 2 एक्टिव हुए, 50 इनएक्टिव हुए। और सब लोगों को काउंसलिंग करें कि अच्छा जीवन गुजारें और जो भी केसेस है खत्म होने के बाद फिर आइंदा केसेस में इन्वॉल्व ना हो और अपने फैमिलीज को, अपने पेरेंट्स को, बच्चों को अच्छी देखभाल करने के लिए काउंसलिंग भी करें। और चेकिंग के दौरान 33 2-व्हीलर्स और 1 ऑटो को हम लोग हमारे हिरासत में लिए और इसके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में किन किन गाड़ियों को जैसा डॉक्यूमेंट चेक करा लेते हैं हमारे पास हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं। और आवाम से एक रिक्वेस्ट है हमारा कि जो भी आप गाड़ी बेचते हैं इमीडिएट वो लोगों के नाम पर, जो खरीदार है उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दीजिए और जो भी खरीद रहे हैं आपके नाम पर ट्रांसफर करा लीजिए, क्योंकि करा लेना ठीक रहता, डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट रहना, नहीं बोलते पेनाल्टी हरी मिली के 1000 रुपये सा गिरता चालाना इसके ऊपर में। एक रिक्वेस्ट है पब्लिक को हमारे अच्छा कोऑपरेट करी, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे यहाँ के पब्लिक को हम दिल से थैंक्स अदा कर रहे हैं। थैंक यू। मैंने काउंसलिंग कर रहा हूँ उसको खाली कि आइंदा केसेस में इन्वॉल्व नहीं होना और वो लोग तो अच्छा ही जी रहे हैं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। अब हमारे तरफ से फर्ज बनता हमारा कि काउंसलिंग करना चाहिए उनको। अरे ले लिया जी मैं जाने दे रहे हैं क्या करते हैं गाड़ी मैं मालूम हूँ किसकी है कि वो गानों में नक्को बोलो कॉल दे रहे हैं तो वही का बोला गान में जो बोला क्या वही के मार कर मेरे ऊपर है तुम अभी बुरा था ना
बुलाओ उसको बोल। हाँ अबरार भाई चामड़ी कलर एक लड़की का पूछे इसमें थोड़ा एक इतना भी थोड़ा हम एक रहता है एक रहता है आप क्या ये क्या तो क्या सारे थे और दाल उनका दाल क्या है उनका मैं कुछ भी कर देती हूँ तो वहाँ पर